हेलो स्टूडेंट्स कतरी ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत है और हमारा टॉपिक चल रहा था जो पिछली वीडियो में हमने किया था आर्थमैटिक प्रोग्रेशन टेंथ क्लास का पांचवा चैप्टर है इसमें हम कुछ वीडियो बना चुके हैं दो तीन वीडियो आज हम 5.2 में जहां तक हो चुका है उससे आगे क्वेश्चन नंबर फोर तक हमने कर लिया था आज पाँचवें क्वेश्चन से इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दो पार्ट है फर्स्ट पार्ट है इसमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ दी फॉलोइंगस एपी ठीक है दो ए पी दी हुई है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं तो देखो इसमें ये हमारा लास्ट टर्म है ए कितना है सेवन डी है हमारा जी डी जब हम फाइंड करेंगे हम ए टू में से ए वन फाइंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे थर्टीन में से सेवन तो ये हमारा कितना हो जाएगा सिक्स और लास्ट टर्म इसको एल से डिनोट करते हैं टू हंड्रेड फाइव हम मान लेते हैं कि टोटल एन टर्म है लेट टोटल टर्म बी एन तब जो एंथ टर्म है वो हमारी लास्ट टर्म होगी तो हम उसको कैसे लिखेंगे ए एन इक्वल एल तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल एल है हमारा 205 जो लास्ट टर्म है टू हंड्रेड फाइव है ए की वैल्यू सेवन प्लस एन हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स और डी है हमारा सिक्स टू फाइव अब ये इसको हल कर लेंगे सिक्स को एन से सिक्स एन हो जाएगा सिक्स को वन से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सिक्स होगा टू फाइव इस तरफ अब सेवन एन सेवन प्लस का है सिक्स माइनस का तो ये सिक्स एन प्लस वन हो जाएगा ये वन उस तरफ जाकर माइनस टू हंड्रेड फाइव माइनस वन एन ये टू हंड्रेड फोर बचेगा और ये सिक्स इस तरफ से जाकर डिवाइड तो एन इक्वल छः से सिक्स थ्री जा एटीन टू बचेगा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर तो टोटल तो टर्म तो 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 कितनी होगी थर्टी फोर टोटल टर्म्स है इसमें जो दिया हुआ है एपी है यही पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स तो टोटल टर्म कितनी होगी थर्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका छठा क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट थे पांचवे में सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे छठा क्वेश्चन चेक वेदर माइनस वन फिफ्टी इज द टर्म्स ऑफ दी एपी अब इसमें यह बताना है माइनस वन फिफ्टी कौन सी टर्म्स है या इसमें कि इसकी एक टर्म्स है या नहीं है ठीक है तो इसमें हम देखो एपी में ए है हमारा इलेवन डी निकालेंगे सेकेंड टर्म में से एट में से इलेवन माइनस करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा हम लेट कर लेते हैं ए एन जो क्या है माइनस वन फिफ्टी है ठीक है एन्थ टर्म है माइनस वन फिफ्टी अब इसमें फॉर्मूले में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल माइनस वन फिफ्टी ए जगह हम इलेवन रखेंगे एन माइनस वन और डी कीजिएगा हम माइनस थ्री सभी क्वेश्चन सब एक ही फार्मूले पर होंगे तो 11 माइनस थ्री एन प्लस थ्री इक्वल माइनस वन अब ये 11 प्लस का और 3 प्लस का तो 14 हो जाएंगे और ये दोनों उस तरफ जाकर क्या होंगे इस तरफ प्लस के हैं दोनों उस तरफ जाकर माइनस तो माइनस फोर्टीन माइनस थ्री एन इक्वल माइनस वन सिक्सटी फोर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा अब एन जब निकालेंगे इस तरफ तो 164 सिक्सटी अपॉन थ्री अब देखो ये तीन से क्या डिविजिबल है थ्री फाइव जा फिफ्टीन वन बचेगा थ्री फोर जा ट्वेल्व और टू बाई थ्री ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि एन क्या होता है एक नेचुरल नंबर होता है एन ना तो कभी फ्रैक्शन में आता ना नेगेटिव फॉर्म में तो ये नॉट पॉसिबल लिख देंगे ठीक है सो माइनस वन फिफ्टी इज नोट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी जो दिया गया अनुक्रम है उसकी कोई भी एक टर्म माइनस वन फिफ्टी नहीं होगी ये हमारा क्वेश्चन था इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी थर्टी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी टर्म 38 एंड सिक्सटीन टर्म सेवेंटी थ्री है हमें थर्टी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो पहले देखो ए इलेवन दिया हुआ है कितना है थर्टी एट और इसको हम ए प्लस टेन डी लिख सकते हैं ये थर्टी एट हो जाएगा दूसरा है सिक्सटीन टर्म ए सिक्सटीन ये है 73 थ्री तो ये ए प्लस फिफ्टीन डी लिख सकते हैं हम इसको सेवेंटी थ्री अब ये एक इक्वेशन ये है दूसरी इक्वेशन ये है हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये देखो a प्लस फिफ्टीन डी में से हम माइनस करेंगे a प्लस टेन डी तो दूसरी तरफ हो गया 73 थ्री माइनस थर्टी राइट हैंड साइड अब ब्रैकेट खोल लेते हैं a प्लस फिफ्टीन डी माइनस ए माइनस टेन डी और इस तरफ थर्टीन में से एट फाइव और सिक्स में से थ्री थ्री यहाँ पर देखो ए प्लस का ए माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये फाइव डी इक्वल थर्टी फाइव और डी इक्ल थर्टी फाइव अपॉन फाइव पाँच से ये सात पर कैंसिल तो d हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा सेवन अब इससे हम पहले a फाइंड करेंगे फिर हम थर्टी फर्स्ट टर्म तो a इलेवन जो है a प्लस टेन डी ये था हमारा 38। अब हमारे पास d की वैल्यू है वो पुट कर देंगे हम d की जगह क्या रखेंगे 7। equal 38 a एट ए प्लस सेवेंटी इक्वल थर्टी तो ये 70 उस तरफ जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा माइनस तो a जो है हमारा कितना आ गया दस में से आठ दो और ये तीन माइनस थर्टी टू आ जाएगा अब हमें निकालनी लें थर्टी फर्स्ट ए थर्टी वन तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस थर्टी डी अब ए की भी वैल्यू है हमारे पास माइनस थर्टी टू है और डी की वैल्यू क्या थी सेवन दोनों को पुट करके हल कर लेंगे इसको माइनस थर्टी टू प्लस टू हंड्रेड टेन अब टू हंड्रेड टेन प्लस का है थर्टी टू माइनस का तो सब करेंगे वन सेवेंटी एट सो थर्टी फर्स्ट हम कितनी आ गई वन सेवेंटी एट यही पूछा गया था इसमें थर्टी फर्स्ट टर्म पूछी गई थी नेक्स्ट है इन ए पी कंसिस्ट ऑफ फिफ्टी टर्म्स ऑफ विस थर्ड टर्म्स ट्वेल्व लास्ट टर्म वन हंड्रेड सिक्स ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हमने टोटल फिफ्टी टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म जो है वही फिफ्टी टर्म है ए थर्ड टर्म है ए थ्री इसको लिखा है कितना है ये ट्वेल्व और ए फिफ्टी क्योंकि लास्ट टर्म टोटल 50 ही टर्म है तो लास्ट टर्म भी 50 फिफ्टी टर्म, टर्म आएगी 106। हम ए 50 में से और थर्ड टर्म सब कर लेंगे तो डी आ जाएगा हमारा ठीक है ए 50 ए प्लस फोर्टी डी इसको ब्रैकेट में रख लो पहले माइनस ए प्लस टू डी इक्वल ये कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा ठीक है अब इसमें से a प्लस फोर्टी नाइन डी माइनस ए माइनस टू डी फोरस का फोर्टी सेवन डी इक्वल फोर्टी नाइनटी फोर डी इज इक्वल नाइन्टी फोर अब वन फोर्टी सेवन देखो ये फोर्टी सेवन से टू पर कैंसिल हो जाएगा तो जो कॉमन डिफरेंस है हमारा कितना आएगा टू अब किसी एक इक्वेशन से हम ए फाइंड कर लेते हैं मान लिया ए थ्री था तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस टू डी इक्वल ट्वेल्व अब डी की वैल्यू है हमारे पास टू है तो यहाँ पर हम टू रख लेते हैं इक्वल ट्वेल्व तो ए इज इक्वल ट्वेल्व माइनस फोर ए इक्वल एट अब हमारे पास ए भी है और डी भी है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं ए ट्वेंटी नाइन करना हमें ट्वेंटी नाइन्थ टर्म निकालनी है होगा तो ये प्लस ट्वेंटी एट डी ए की वैल्यू एट प्लस ट्वेंटी एट और d की वैल्यू कितना थी हमारे पास दो टू मल्टीप्लाई करेंगे एट प्लस फिफ्टी सिक्स हो जाएगा ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये सिक्सटी फोर तो ट्वेंटी नाइन्थ टर्म क्या आएगी सिक्सटी फोर आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इफ दी थर्ड टर्म थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ओप एन एपी सब एक ही प्रकार के क्वेश्चन से इसमें पूछा है कि कौन सी टर्म जीरो होगी तो पहले तो देखो ए थ्री थर्ड टर्म चार है और ए नाइन नाइन्थ टर्म माइनस आठ है हम लेट कर लेते हैं लेट एंथ टर्म बी जीरो तो देन क्या होगा ए एन कितना हो जाएगा जीरो तो पहले इन दोनों से हम ए और डी जैसे हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में किया उसी प्रकार से ए और डी फाइंड करेंगे तो ए नाइन माइनस ए थ्री माइनस एट माइनस फोर ए नाइन होगा ए प्लस एट डी और माइनस करेंगे ए प्लस टू डी ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा तब ए प्लस एट डी माइनस ए माइनस टू डी माइनस ट्वेल्व तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया एट डी में से टू डी सिक्स डी माइनस ट्वेल्व और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो आएगा माइनस ट्वेल्व बाई सिक्स तो ये माइनस का टू आ जाएगा हमारे पास डी आ गया है पहले हम ए थ्री से ए निकाल लेते हैं तो ए प्लस टू डी कितना है फोर देन ए प्लस टू और डी की वैल्यू थी हमारे पास माइनस टू इक्वल फोर देन ए माइनस फोर इक्वल फोर तो ए इक्वल फोर प्लस ये उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा तो ए इक्वल एट अब हमने ए एन निकालना था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल जीरो दिया हुआ ए की वैल्यू तो एट है प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू क्या थी माइनस टू इक्वल जीरो तन एट माइनस टू एन और प्लस टू इक्वल जीरो ये दस जो है उस तरफ जाकर क्या होगा माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल और एन इज इक्वल टेन बाई टू टू से ये फाइव पर तो एन इक्वल फाइव आंसर में लिख देंगे इसमें सो फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन ए इज जीरो ठीक है पांचवी टर्म जो है इसकी वो क्या आएगी हमारी जीरो आएगी यही पूछा था कि एपी में कौन सी टर्म जीरो है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड टेंथ टर्म बाय सेवन फाइंड कॉमन डिफरेंस बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि सेवनटीन टर्म ए सेवनटीन है जो वो टेंथ टर्म से कितनी ज्यादा है सात ज्यादा है तो इसी में हम ए प्लस इसको लिखेंगे ए प्लस सिक्सटीन डी माइनस ए प्लस नाइन डी इक्वल सेवन तो ब्रैकेट हटा लेंगे माइनस ए माइनस नाइन डी इक्वल सेवन हो जाएगा ए इज ये माइनस का ये प्लस का तो ये यहाँ पर भी सेवन डी इक्वल सेवन देन डी इज इक्वल सेवन बाई सेवन कैंसिल करके वन हो जाएगा तो जो कॉमन डिफरेंस है वही पूछा था हमसे कॉमन डिफरेंस वो कितना होगा वन आ जाएगा फाइंड फाइन कॉमन डिफरेंस ठीक है यही छोटा सा क्वेश्चन है इसमें यही आंसर होगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन दिस विल बी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसमें कर लेते हैं देखो पहले तो ए फाइंड करेंगे थ्री हो गया डी निकाल लेंगे तो फिफ्टीन माइनस थ्री ये आ जाएगा ट्वेल्व हम लेट कर लेते हैं लेट एन्थ टर्म वन 132 मोर देन कौन सी टर्म से फिफ्टी फोर्थ टर्म इस प्रकार से लिख लेते हैं कि जो हमारी एंथ टर्म है तब क्या होगा ए एन जो होगा वो किसके बराबर होगा ए फिफ्टी फोर प्लस वन थर्टी टू के इक्वल होगा तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर लेते हैं हम इसी में हम नेक्स्ट ए एन को हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इक्वल ए फिफ्टी फोर ए प्लस फिफ्टी थ्री डी प्लस वन थर्टी टू ए और डी की वैल्यू हालांकि दो, दोनों तरफ ए है ए से ए कैंसिल हो जाएगा डी की वैल्यू है हमारे पास ट्वेल्व वो पुट कर लेते हैं एन माइनस वन इंटू ट्वेल्व और दूसरी तरफ भी फिफ्टी थ्री इंटू ट्वेल्व प्लस वन थर्टी टू तो ये हो जाएगा एन माइनस वन और ये ट्वेल्व को उस तरफ ले जाकर या तो कॉमन लेकर कर, कर लो या इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई बारह छत्तीस और प्लस वन थर्टी टू ये ट्वेल्व इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा एन माइनस वन इक्वल दोनों को प्लस करेंगे एट सिक्स सेवन बाई ट्वेल्व ट्वेल्व से एन माइनस वन छह पर और बारह चुक अड़तालीस तो एन इक्वल सिक्सटी फोर प्लस वन एन इक्वल सिक्सटी फाइव सो लास्ट में लिखेंगे सिक्सटी फिफ्थ इज वन थर्टी टू मोर देन फिफ्टी फोर्थ टर्म यही पूछा था कि कौन सी टर्म जो है

सौवीं टर्म्स में डिफरेंस सौ का है तो हज़ारवीं टर्म्स में डिफरेंस हज़ार का नहीं ये गलत होता है देखो इसको कैसे करेंगे हम दो ए पी कर लेते हैं अलग अलग से दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम लेंगे डी ले, ले लेते हैं फर्स्ट ए पी मान लेते हम ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी इस प्रकार से ये और कंटिन्यू दूसरे को हम टी ले ले लेते हैं फर्स्ट टर्म देन टी प्लस डी टी प्लस टू डी और प्लस थ्री डी एंड सो ऑन ये आगे तक चलते रहेंगे ये हमारी ap फर्स्ट है ये AP second है ठीक है ये सेकेंड ap लिख लेंगे इसमें तो इनकी पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सोमी टर्म्स है तो t हंड्रेड माइनस ए हंड्रेड उसमें डिफरेंस लेंगे हम हंड्रेड का जो दिया हुआ उसने हंड्रेड का टर्म्स टर्म में टी हंड्रेड को हम लिखेंगे टी प्लस नाइन्टी नाइन डी ब्रैकेट माइनस और इसको ए हंड्रेड को हम लिखेंगे ए प्लस नाइनटी नाइन डी इक्वल हंड्रेड तो देखो इसको ब्रैकेट खोल देते हैं जब हम टी प्लस नाइनटी नाइन डी माइनस ए माइनस नाइनटी नाइन डी इक्वल हंड्रेड तो इसमें जो नाइनटी नाइन डी है एक प्लस का एक माइनस का देन टी माइनस ए यानी कि फर्स्ट टर्म में भी उनका डिफरेंस कितना है सो so का है अब हमने डिफरेंस बताना है हजारवीं टर्म्स के बीच में तो ये हमने फाइंड करना है टी थाउजेंड माइनस ए थाउजेंड तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे टी प्लस नाइन हंड्रेड नाइन डी माइनस ए प्लस नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन डी ब्रैकेट खोलेंगे टी प्लस नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन डी माइनस ए माइनस नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन डी तो देखो नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन डी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का तो ये आएगा हमारा टी माइनस ए और टी माइनस ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी हंड्रेड तो ये जो है इसकी हजारवीं टर्म्स में भी डिफरेंस कितने का होगा सो का ही होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो सभी टर्म्स में डिफरेंस भी सेम होता है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर बाई सेवन ठीक है डिविजिबल बाई सेवन थ्री डिजिट नंबर तो सेवन से कौन कौन सी देखो थ्री डिजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं वन हंड्रेड से स्टार्ट होते हैं और नाइन हंड्रेड नाइन तक हमारे थ्री डिजिट नंबर रहते हैं इससे पहले जो होंगे वो दो डिजिट के नंबर होंगे और इसके बाद जो होंगे वो चार डिजिट के नंबर होंगे तो हम पहले चेक करें कि से डिविजिबल कौन सा है तो इन दोनों को हम सेवन से डिवाइड कर लेते हैं सेवन से तो देखो जो इसमें है फोर्टीन टर्म्स जो है सेवन की फोर्टीन तक तो जो है दो डिजिट के होंगे जो फिफ्टीन मल्टीपल होगा सेवन का वो पहला तीन डिजिट नंबर का होगा तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं हंड्रेड में प्लस करेंगे सेवन माइनस टू तो ये हो जाएगा हंड्रेड प्लस फाइव तो वन हंड्रेड फाइव जो होगा पहली टर्म्स होगी जो कि सात से डिविजिबल होगी ऐसे ही नाइनटीन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन को भी डिवाइड कर लेंगे हम सेवन से सेवन वन जा सेवन टू बचेगा नाइन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट वन बचेगा नाइन सेवन टू जा फोर्टीन कितना फाइव बचेगा तो इसमें हम क्या करेंगे नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में से यहां तो प्लस करना है यहां माइनस करना है कितना पाँच से वो माइनस कर लेंगे तो ये कितना आएगा फोर नाइन नाइन तो ये लास्ट टर्म होगी जो हमारी सेवन से तीन डिजिट की डिविजल जो अब ए पी बनेगी हमारी ए पी है देखो क्या बनेगी पहली टर्म्स कौन सी होगी वन हंड्रेड फाइव उसके बाद सात और प्लस करेंगे 112 और ये ऐसे करते करते लास्ट में कौन सी आएगी 994 आएगा तो अब ए है हमारा 105 हंड्रेड डी है हमारा सेवन और ए एन वो है 994 तो ए एन ए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी नाइन नाइन्टी फोर ए की वैल्यू रखेंगे हम 105 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू सेवन नाइन नाइन्टी फोर तो ये पहले तो इसको उस तरफ ले जाओ एन माइनस वन इंटू सेवन ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस वन हंड्रेड फाइव को माइनस करेंगे और तब फिर सेवन उस तरफ जाकर पहले तो इसको माइनस करो फोर्टीन में से फाइव नाइन बचेगा फिर एट और यहाँ पर भी एट और अब ये सेवन उस तरफ जाकर डिविजिबल एन माइनस वन कितने पर कटेगा एक वन ट्वेंटी सेवन पर और ये वन ट्वेंटी सेवन वन उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा वन ट्वेंटी सेवन प्लस वन वन ट्वेंटी एट एन इक्वल कितना आ गया वन ट्वेंटी एट तो ये टोटल वन ट्वेंटी एट टर्म्स होंगी जो थ्री डिजिट नंबर है और सेवन से डिविजल है इस प्रकार से हम अपना फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फाइंड करके तब ए बना लेंगे और उसके बाद उसकी लास्ट टर्म कौन सी टर्म है वो फाइंड करेंगे ये यह यहाँ तक कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में लिए इसके बाकी क्वेश्चन जो बच गए हैं छः सात क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक इनको अपने आप से प्रैक्टिस करें साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें तभी देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हम चाहते हैं इन वीडियो का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उठाएं और त, वो तभी पॉसिबल है जब आप इनको किसी नीडी स्टूडेंट्स को या जिसको जरूरत होगी उनको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू